ये हमारा हावर रेक्टिफायर में 0.12 की पावर सप्लाई होती है, 220 वोल्ट इनपुट में जाता है प्राइमरी और आउटपुट निकलता है 0.12 का सेकेंडरी में। अब हमने ये हमारा मेन लीडर हमने इस एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दिया यहाँ पर, अब इसने 0.12 में कन्वर्ट कर दिया। अब एसी सप्लाई आ रही है, हावर रेक्टिफायर में क्या होता है, इसमें एक कैपेसिटर, डायोड और एक रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि एलईडी इंडिकेशन में स्विच कर सके, और यहाँ ग्राउंड की पावर सप्लाई को हमने स्विच के थ्रू दे दिया। यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, इसे आप 1035 भी लगा सकते हैं या फिर आप 1012 भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें 12 वोल्ट सप्लाई निकल रही है यहाँ से 0.12 से। अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारी जो डायोड से डीसी में कन्वर्ट हुआ, कैपेसिटर ने फिल्टर करा और स्टोर करा, उसके बाद से यह हमारे कैपेसिटर में दे रहा है, ठीक है। और यहाँ हमारी दो आउटपुट की निकाली है, हम मल्टीमीटर से इसमें शो कर सकते हैं कि हमारी आउटपुट कितनी आ रही है।